विराजमान हुए हैं। रामलला के 500 वर्षों के विराजमान होने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश और देश में जितना उत्साह उमंग है उससे ज्यादा उत्साह उमंग मुझे छत्तीसगढ़ में देखने को मिला, क्योंकि ननिहाल में पहले खुशहाली होती है और जब रायपुर में श्री राम मंदिर बन रहा था तब भी मैं वहां आया था और तब भी एक ही संकल्प था। जब उस समय के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी से मैंने पूछा, मैंने कहा भी रामलला का मंदिर आपने पहले यहां बना दिया, उन्होंने कहा हमने पहले बना दिया। तो मैंने कहा देखो अब ये बात साबित होती है कि अगले 3 वर्ष के अंदर अयोध्या में भी रामलला का मंदिर बनेगा। और बहनों भाइयों, मंदिर बनने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा आपने कैसे अनुमान लगा लिया, मैंने कहा पहले ननिहाल में ही बच्चा आता है तब जाकर के अपने धाम में विराजमान होता है। और आज आपने देखा होगा अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो गया। क्या ये काम कांग्रेस कर पाती क्या? कांग्रेस ने तो राम के नाम को ही नकार दिया था, कहा राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। बहनों भाइयों, इससे बड़ा अपमान भारत की सनातन आस्था का दूसरा हो ही नहीं सकता। जो कांग्रेस के लोग हमारी विरासत का प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, आखिर यही तो छत्तीसगढ़ है जो ननिहाल भी है और जहां के इस भीषण जंगलों में रह करके भगवान राम ने संकल्प लिया था कि ऋषि मुनियों की संस्कृति को बचाने के लिए, सनातन संस्कृति को बचाने के लिए निस्सरहीन करो मई बुझ उठाए प्रण कीन का संकल्प इसी धरा पर उन्होंने लेकर के इस धरती को राक्षसहीन करने के अभियान का शुभारंभ किया था। यहां के कण कण में राम का स्मृतियां छुपी हुई है और कांग्रेस के लोग कहते हैं राम हुए ही नहीं। और जब अयोध्या में राम मंदिर बन गया तब कांग्रेस के लोग कहते हैं कि राम तो सबके हैं। बहनों भाइयों, ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है, इसको समझने की आवश्यकता है। कांग्रेस को कोई भी कार्य अच्छा नहीं लगता और जब भी कोई जिम्मेदारी दी जाती है कांग्रेस उसको किस तरीके से अव्यवस्था और अराजकता का शिकार बना देता है। जब देश आजाद हुआ 1947 में, देश की सत्ता कांग्रेस के हाथों में आई, कांग्रेस ने देश को समृद्धि की ओर ले जाने की बजाय अव्यवस्था, अराजकता, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद इधर धकेल दिया, भ्रष्टाचार की ओर धकेल दिया, अराजकता पैदा कर दी। जान बूझ करके देश के संविधान में ऐसे ऐसे प्रावधान करने के प्रयास किए गए जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी अपमानित कर रहे थे। और बहनों और भाइयों, जो देश के अंदर आतंकवाद और उग्रवाद को भी बढ़ावा दे रहे थे, उसी में एक प्रावधान उन्होंने जोड़ा था धारा 370 का। भारत के मूल संविधान में नहीं, 1952 में एक संशोधन के माध्यम से कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान कर दिया गया और उसी के खिलाफ भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपना आंदोलन चलाना पड़ा था। तब उन्होंने एक नारा दिया था, एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। बहनों भाइयों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने आप को बलिदान कर दिया कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने के लिए और इसीलिए भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नारा लगाता था, जाओ हे बलिदान मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है। बहनों और भाइयों, 65 वर्ष तक कांग्रेस के लोग कुछ नहीं कर पाए। अंततः जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने
अमित शाह जी गृह मंत्री बने, कश्मीर की धारा 370 समाप्त हुई और आज कश्मीर विकास और लोकतंत्र की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत का हिस्सा बना हुआ है। बहनों भाइयों, कश्मीर में धारा 370 काटना आतंकवाद की ताबूत में अंतिम कील है। अब आतंकवाद भारत की धरती पर पनप नहीं पाएगा। आपने पिछले 10 वर्ष में देखा होगा, आतंकवादी पहले कहीं भी विस्फोट कर लेते थे, निर्दोष लोग मारे जाते थे, सरेआम पाकिस्तान समर्थन करता था। और आज स्थिति क्या है, उस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और कुछ नहीं बोलती थी, कुछ नहीं करती थी, कहती थी हम देखेंगे। और आज अगर कहीं भी पटाखा जोर से फूट जाए ना, तो पाकिस्तान पहले सफाई देता के साथ मेरा कोई हाथ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है कि अगर किसी आतंकी वारदात में पाकिस्तान का हाथ होगा और आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर छुपे होंगे, तो पाकिस्तान को लेने के देने पड़ जाएंगे। भय बिनु होई न प्रीति, ये जो प्रीति है ये बिना भय के नहीं है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा 1947 में पाकिस्तान बड़े ठसक के साथ बना था, भारत का विभाजन करके पाकिस्तान बना था। जितनी जनसंख्या थी उससे ज्यादा भूभाग मिला, बहुत खुलाता थे, उर्वरा भूमि मिली। आप देख सकते हैं पाकिस्तान की कुल आबादी 2320 करोड़, उत्तर प्रदेश की आबादी से भी कम है। और बहनों भाइयों, वहां लोग भूखों मर रहे हैं। भारत के अंदर 80 करोड़ लोग पिछले 4 वर्ष से और यहां पर पिछले 20 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। मोदी जी 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर 4 वर्ष से फ्री में राशन दे रहे हैं, अगले 5 वर्ष तक ये जारी रहेगा। आपने बदलते हुए भारत को देखा है और आप भी कह सकते हैं हमने भारत का वह दौर देखा है जो विकसित भारत की आधारशिला बन रहा था। आप में से हर व्यक्ति इस गौरव में कूद कर सकता है, आने वाली पीढ़ी को बता सकता है कि हम भी इसमें योगदान किए हैं। किसी ने वोट दे करके कोई हनुमान बनकर के काम किया होगा, कोई जामवंत बन के काम किया होगा, कोई अंबक बनकर के काम किया होगा, और किसी ने गिलहरी की तरह ही अपना योगदान देकर के विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में अपना योगदान दिया होगा। और ये कहने के लिए हम सबके पास एक अवसर होगा और इसी का आह्वान करने के लिए हम लोग आज आपके पास आए हैं कि बदलते हुए भारत को आपने देखा है। यहां पे दुनिया के अंदर भी सम्मान है, सीमाएं सुरक्षित हैं, आतंकवाद नक्सलवाद और उग्रवाद समाप्त की ओर है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हो रहे हैं, हाईवे रेलवे मेट्रो IIT IIM एम्स वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कांग्रेस के शासन में लोग भूखों मरते थे, 7 करोड़ लोगों को देश के अंदर आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल गया है, 50 करोड़ गरीबों के लिए जनधन अकाउंट खुल गए हैं, 12 करोड़ गरीब किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की सौगात मिल रही है। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए, 10 करोड़ गरीब महिलाओं को महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर किया गया और 10 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना का फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर भी प्राप्त हुआ है, 4 करोड़ गरीबों के लिए मकान बने, अकेले उत्तर प्रदेश में 56 लाख गरीबों के मकान बन गए हैं। ये तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने 18 लाख गरीबों के मकान रोक दे, नहीं तो यहां भी 18 लाख गरीबों को मकान मिल जाते। और अब
विष्णुदेव साय के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत सरकार को लिख के दे दी है कि हम अपना शेयर देंगे, हमारा पैसा दीजिए, हम भी यहाँ पे 18 लाख गरीबों को मतदान देंगे। चुनाव के तत्काल बाद 18 लाख गरीबों को मिलने वाला है। बहन और भाइयों, ये काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। नौजवान के लिए आजीविका है, गरीब के लिए आवास है, तो आपकी आस्था के लिए अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी है। क्या कांग्रेस से काम कर पाती क्या? क्या कांग्रेस से करती क्या? तीन तलाक की कुप्रथा को कांग्रेस समाप्त करती क्या? आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ क्या कांग्रेस के लोग लड़ पाएंगे क्या? अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण क्या कांग्रेस के लोग कर पाते क्या? एक गरीबों को राशन क्या कांग्रेस दे पाती क्या? बहनों और भाइयों, कांग्रेस का पेट तो इतना बड़ा है वो कभी भरने वाला नहीं है। तो गरीबों के हकों में डबे निकालते हैं और इसीलिए कांग्रेस समस्या का नाम है, भारतीय जनता पार्टी इसका समाधान है। हमें समस्या नहीं, विकसित भारत के लिए समाधान का रास्ता पाना है और मोदी जी के नेतृत्व में होगा। ये जो परिवर्तन 10 वर्षों में आप देख रहे हैं देश के अंदर, बहनों और भाइयों, ये परिवर्तन, यह परिवर्तन आपके वोट ने किया है, मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं, उनका मार्गदर्शन है, उनका मार्गदर्शन है, उनका नेतृत्व है। लेकिन आपने सही जगह वोट दिया तो बहनों और भाइयों, परिणाम भी आपके पास है, आपके सामने है। सही वोट तो सही सरकार, और सही सरकार तो सही निर्णय। जब वोट गलत जगह जाता है तो गलत सरकार बनती है, घोटाले में घोटाले होते हैं, कहीं शराब घोटाला, कहीं कोयला घोटाला, कहीं पीएससी घोटाला, और घोटाले में घोटाले कहीं गोबर का घोटाला भी हो जाता है। यानी घोटालों की एक श्रृंखला एक कांग्रेस की पहचान बन चुकी है। गरीबों को राशन नहीं देते थे, आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे। कांग्रेस की सरकार में यही होता था ना बहनों और भाइयों, इसीलिए हम लोग आए हैं छत्तीसगढ़ में। आपने विधानसभा चुनाव में अच्छे विधायक चुन करके भेजे, आज सरकार यहां पे कार्य कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। दोनों सरकारें एक विचारधारा कर एक पार्टी की होती है तो विकास कई गुना आगे बढ़ता है। इसका उदाहरण आपके सामने उत्तर प्रदेश है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में कोई जाना नहीं चाहता था, हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था महीनों महीनों, अयोध्या का नाम सुनने से लोग डरते थे, काफी लोग पहले से ही काम जाते थे, विकास के कार्य ठप थे, पिछली 75 में से केवल 4 जनपदों को मिल पाती थी। बहनों और भाइयों, बेटी और व्यापारी असुरक्षित थे, और आज भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार होने का परिणाम क्या है? आज आप देख रहे होंगे पिछले 7 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा, बेटी और व्यापारी पूरी तरह सुरक्षित है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का कॉरिडोर और विंध्याचल में विंध्यवासिनी धाम का कॉरिडोर बन गया, और अयोध्या में तो लगता है जैसे त्रेता युग का प्रभु राम का युग स्वयं साक्षात अयोध्या धाम में आ गया। एक तरफ अयोध्या में प्रभु राम साक्षात विराजमान हो गए और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य है भी हो गया है, हो गया है ना बहनों और भाइयों। देश को विकसित भारत बनाने के लिए
मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षा, सुशासन और विकास का ये मॉडल फिर आवश्यक है। और सुरक्षा, सुशासन और विकास का इस मॉडल के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने श्री तोखन साहू जी को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में आपके आशीर्वाद के लिए दिया है। तीसरे चरण में यहां चुनाव है। अभी से चुनाव के दौरान इस बात की उम्मीद करना कि प्रत्याशी मुझे बोले या प्रत्याशी मेरे घर में आए, ये नाइंसाफी होगी। चुनाव के दौरान ये नहीं हो सकता। चुनाव के बाद आप खूब घुमाइए, खूब बुलाइए, लेकिन चुनाव के दौरान तो बहनों भाइयों आप सबको मोदी जी का प्रतिनिधि बनना पड़ेगा, स्वयं तोखन साहू बनना पड़ेगा, कमल चुनाव चिन्ह के फूल का छाप लेकर के घर घर जाना पड़ेगा और अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान केंद्र पर 7 मई को ले जाना पड़ेगा। तब तक गर्मी भी काफी पड़ चुकी होगी, अभी से टेम्परेचर है, तब की हालत और खराब होगी, लेकिन गर्मी की परवाह के बगैर आपको पूरी मजबूती के साथ कार्य करना है। सहमत हैं? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं ना? विकसित भारत के सपने को साकार करना चाहते हैं ना? आस्था का सम्मान करने वालों को फिर से देश की सत्ता सौंपना चाहते हैं ना? इसके लिए बिलासपुर की लोकसभा सीट पर श्री तोखन साहू भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनकर के आपके बीच आए हैं। सहमत है? सभी लोग सहमत है? इधर सब लोग, सभी लोग सहमत है? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, उन्होंने बताया किस तरीके से रामलला का जो मंदिर बना और कौन कौन से वो पार्टियां थी जिन्होंने इसे रोकने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी प्रत्याशी को जिताए और इसी के साथ अपनी आने वाली जो सरकार है वो चुने। ये तमाम बातें सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कही गई।